चीज होते हैं वो जलाएगा तो बहुत अच्छा स्मेल आता है। ये चार चीजों से बनाना है वो सब कुछ। बोला ये कि नाप लेना उसको जलाना। हमें हमारा मतलब यही है, इसके साथ हमारा क्या संबंध है। इसलिए इन दिनों में आप अच्छा से पढ़ना, कोशिश करना नरक मन की किताब आप इन दिनों में पढ़ना। पढ़ने के बाद आपको अभी आपको आइडिया पता चल गया, नहीं पता चला क्योंकि तो समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। आज का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम प्रार्थना करें, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। आज हम देखा था तीन भाग है, आंगन, पवित्र स्थल, आदि पवित्र स्थान। उसमें लंबाई चौड़ाई आप लिख रखना, और बार बार दो तीन बार पढ़ने के बाद आपको दिमाग में आएगा। लंबाई चौड़ाई नहीं याद करेगा तो कम से कम इतना समझे उधर क्या क्या चीज है, ये किसको दर्शाता है, यही आज का क्लास है। कुछ डाउट है तो पूछना, नहीं तो फिर हम समाप्त करें। डाउट है उसका डक्कन को, डक्कन को, ठीक है, कृपा से अनुग्रह का आसन बोलते। और कोई डाउट है, डाउट है तो बीच में भी अगर कोई अगर डाउट है तो आप लिख रखना, मुझे पूछना, कभी भी पूछ सकते हैं। और इतना ही है उसका आउटलाइन, बाकी उसका बारे में अर्थ वगैरह तो आने वाले दिनों में हम सीख लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपको सबको समझ में आएगा। समझा, कोई डाउट है था? कोई डाउट है गीता? कोई डाउट है राजू भाई? कोई डाउट नहीं ना? इसका जो वीडियो अभी कर रहे हैं मैं वीडियो डाल दूंगा, आप बाद में घर पर जाके अगर देख सकते हैं, डाउट है तो आप मुझे पूछना, ताकि हमें मेन टॉपिक इधर समझना। इस वैसे नहीं है, बीच में आंगन भी होता है, ठीक है, समझ में आ गया, रेक्टेंगल शेप है और मैं क्या क्या चीज़ है उसके बारे में आप लोगों को सीखना, ठीक है। ठीक है, फिर हम आज समाप्त करेंगे। हाँ जी, सब लोग अपने अपना आंखें बंद करेंगे। आज दिन का समय परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। हालेलुया, सब लोग अपने अपने आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया, अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरणों में हम आते हैं। हालेलुया प्रभु जी, आज दिन का समय प्रभु जी आपके चरणों में आने के लिए प्रभु जी आपने हमें मदद की प्रभु जी। आज दिन का समय प्रभु जी गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपने हमें मदद किया, सहायता की। आज दिन का समय फिर एक बार और प्रभु जी मिला बाला तंबू के बारे में प्रभु जी पढ़ने के लिए प्रभु जी आपने हमें बुद्धि दिया, ज्ञान दिया प्रभु जी। दिन का समय आया हुआ सभी भाई बहनों को, बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप प्रभु जी। अब आशीष देना प्रभु जी, वजह में लिखा प्रभु जी हर समय प्रभु जी अनुग्रह का आसन में आने के लिए प्रभु जी आपने हमें सहायता किया। इसे पवित्र स्थान में और अधि पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, वो फट गया यीशु मसीह का मृत्यु का समय। इसलिए प्रभु जी हर समय पर प्रभु जी उसी अनुग्रह का आसन में पहुंचने के लिए प्रभु जी आपने में सहायता किया, आपने प्रभु जी हमें याजक बनाया। धन्यवाद देता प्रभु जी, पवित्र दाई का साथ आगे बढ़कर आशीष पाने के लिए सहायता करना। आज दिन के समय आए हुआ सभी भाई बहनों के बच्चों को आपका सामर्थ्य हाथ में सौंप प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, आशीष दे अनुग्रह दे प्रभु जी। हालेलुया, आने वाले दिनों में और प्रभु जी आपका चरणों में बैठकर आशीष पाने के लिए, वचन सीखने के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय को सहायता करना प्रभु जी। इतने विषय के लिए हम प्रार्थना किया प्रभु जी, हर एक विषय को आपने उत्तर देना, विश्वास करते प्रभु आपने उत्तर दे दिया, खास करके हमारे बच्चों के लिए, मानव जीवनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु, जितने लोग प्रभु जी आज दिन का समय आया उन सभी को आशीष दे प्रभु जी। कलीसिया में आने वाला सभी भाई बहनों के बच्चों को आपका सामर्थ्य हाथ में सौंपते प्रभु जी। आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह का मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सन्निधि और सहभागिता हमारे सबका साथ यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक हमेशा होता रहे। हमें हमें जय दिए परमेश्वर को, तीन बार हम हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।